أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज माशाल्लाह बड़ी खुशी है, तुसी हजरात अलहम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर आए हो, लेकिन बड़ी खुशी है कि जेड़े बच्चे माशाल्लाह बैठे ने अज वेख्या जी इन्हां सुभान अल्लाह एड्डी उच्ची आखनी है, एड्डी उच्ची आखनी अल्लाह की रहमत दे नाल जिन्ने जिन शैतान है ने सारी नट जाणगे। आखो सुभान अल्लाह गुरु जी। तो तुहाडा अज इन्ना नमाजियां दे नाल जिहड़े वड्डियां मशीनां बैठियां ने इन्हां नाल तुहाडा मुकाबला भी अज है, पता लग जाए सी ये जितते ने कि तुसी जितते, जितोगे कि हरोगे इंशाअल्लाह। अच्छा हुण आपां एक जित होर भी कर लईए। ये जिहड़े प्रोग्राम हुंदे ना ये रल मिल के हुंदे ने, याद रखो ठीक है। अगर मियां इसरार साहब या और दीगर अहबाब साथी मेहनत कोशिश करते हैं, तुसी एक दूसरे महीने बाद प्रोग्राम करा रहे हो, तो उन्हां दी मेहरबानी अल्लाह पाक उन्हां दी जिंदगी अंदर कारोबार अंदर माल जान अंदर मेरा सोहना अल्लाह बरकतां फरमाए। लेकिन ये सारे पिंड दा हक बनता है। मैं तुहानूं एक हदीस पढ़ के सुनावा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा अल्लाह ते उहदे रसूल दे दीन दे मामले दे अंदर एक रुपया भी खर्च कर देगा ना, कयामत वाले दिन अल्लाह पहाड़ां दी शक्ल इख्तियार कर देंगे नेकियां दी। तो लो फिर वेखो माशाल्लाह हाफिज शहादतुल्लाह बटू साहब ने मौलवियों को पैसा लेना तो बड़ा ही औखा। मौलवी हो गए, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, ये पैसा नहीं देंदे। तो हुण मेहरबानी करो माशाल्लाह उठ उठ के पैसे लियाने दे, जिन्ने पैसे थोड़े ने आपां प्रोग्राम दे करिए, तो आइंदा इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत दे नाल मजीद इस तो बेहतर प्रोग्राम होएगा इंशाल्लाह। नहीं आ पंजा पंजा मैं ना पिंड ऐलान करा ना, यकीन जन मेरी कोई वड्याई नहीं। अल्लाह पाक रियाकारी तो तकबर तो मेरा सोहना अल्लाह मैनू महफूज फरमाए। अल्लाह जानदा मैं ऐलान करके कहना भी रत्ता नोट मैं कौन ही लैना, तो मैं ना रब मेरा गवाह जे मैं रत्ता नोट लैंदा भी नहीं, मैं हरे नोट ही लैना। 9.5 लाख रुपया ए पिछले दिनों अंदर मैं तकरीबन 2 या 3 घंटे में जमा किया। कि 9.5 लाख रुपया पिंड तो तुम सा गिणते ही नहीं जी ना, साडा ना है तुम इन्हों छो पर इन्हों पर ही रह हो सकता है तुम आगो कारी फरोक ने भी रह नहीं दो जी यार रान पाँद रान दिन इंशाला भली पाँद इंशाला। अज नबी पाक शान बयान करना है, जिहड़े आप साथी आए ने बड़ी मुहब्बत दे नाल जलसे का जिहड़ा है ना इंतजाम और ये वास्ते मुहब्बत प्यार करो माशाल्लाह, उठो तामन करो माशाल्लाह। 100 रुपया आप शहादतुल्लाह साहब ने दिता जी अलहम्दुलिल्लाह। इस तरह सारे अहबाब साथी 100 रुपया लेके आओ, 100 रुपया मैं भी देना। अल्लाह पाक कबूल फरमाए ते अल्लाह पाक मंजूर फरमाए माशाल्लाह। चलो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादा नहमदुहु वनस्तईनुहु वनस्तगफिरु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना वमिन सय्याति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة آمنت بالله صدق الله العظيم بندیا تینو بندہ بنایا مولا اے بندیا تینو بندہ بنایا مولا اے در در سجدے والا پانا رولا اے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ڈگدا سنبھلے کون سنبھال دائے اسنو راضی کر لا کادا اولائے اسنو راضی کر لا کادا اولائے اوے پھلاں دے وچ خوشبو کس نے پائی چن تے سورج نے کتھوں لئی روشنائی پتھر دے تھلے کس نے رکھیا کولائے در در سجدہ والا پانا رولائے تے مجھا تے گاوا کئی مخلوقا تیرے لئی تیرا جھکنا رونا ڈرنا میرے لئی میری ذات پہچان کے بننا بولائے بندیا تینوں بندہ بنایا مولا اے در در سجدے والا پانا رولا اے مصیبت سر تے آوے کون ٹال دائے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی اکتائی اللہ رب العالمین دی بابرک ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین آمینہ دلال ساری کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات اللہ رب العالمین دا بہت بڑا کرم ہے کہ جس اللہ خالق مالک نے سانو اپنے گھر اندر بلایا ہے میری دلی دعا ہے جو میں بیان کراں اور جو تسی حضرات احباب سماعت فرماؤ میرے سمیت اللہ سب ننو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اے جتنے احباب ساتھی اج اس اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر پروگرام واسطے دینی محفل واسطے آئے نے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اور جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام واسطے اہتمام کیتا انتظام کیتا اور اپنے پیسے دا خرچ کیتا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اج دے انشاءاللہ اس پروگرام دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا شان آپ دا مقام اور آپ دی عظمت دا تذکرہ کرنا چاہاں گا دعا ہے اللہ تعالی مینو اور تانوں سارے نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے
हजरात याद रखना, जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दी मोहब्बत नहीं, जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दा प्यार नहीं, जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दा नाम नहीं, जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दे नाम दा एहतराम नहीं, जिस दिल अंदर मेरे पैगंबर दी जात दा एहतराम नहीं, वो इंसान कदी भी अल्लाह दी जन्नत दा हकदार नहीं। लिहाजा असी इस कायनात दे अंदर कलमा पैगंबर दा पढ़िया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पैगंबर दी मुहब्बत साढ़े दिल अंदर मौजूद होए, और लोगो केड़ा पैगंबर जेड़ा सारी कायनात वो आला तरफा बन के आया, केड़ा पैगंबर है जेड़ा सारे जहान तो आला तरफा बन के आया, जिदी सीरत भी आला, जिदी सूरत भी आला, जिस पैगंबर दा चलना भी आला, जिदा बैठना भी आला, जिदी खिताबत भी आला, जिदी नमाज भी आला, जिदा रोजा भी आला, जिदी हज भी आला, जिदी ज़कात भी आला, जिदा मक्का भी आला, जिदा मदीना भी आला, जिदी हसनैन करीमैन भी आला। और लोगों उस नबी का तस्करा करना चाह रहा जिदा नाम तुसी अपनी जुबान ते एक मरतबा लो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहाडे नामा अमाल दे अंदर मेरे रब ने 50 नेकियां लिख दित्तियां ने। लोगो जेड़ा मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़ेगा इस कायनात दे अंदर भी आला, इस कायनात दे अंदर भी अल्लाह दुनिया सोहनी बना देगा, कल कियामत वाले दिन अगला जहान भी सोहना बन जाएगा। लिहाजा पता है चलिया, कुरान दी आयत तेरे सामने रखा, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अस्वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। फरमाया जिस दिल अंदर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार कम होए, अपने बेटियां दा प्यार ज्यादा होएगा, अपनी बिरादरी वालियां दी मुहब्बत ज्यादा होएगी, कुंबे कबीले दी मुहब्बत ज्यादा होएगी, मालो दौलत दा प्यार ज्यादा होएगा, गड्डियां मोटरां दा प्यार ज्यादा होएगा, जमीना पैलियां दा प्यार ज्यादा होएगा। मेरे रब ने फरमाया फाता रब पासो, उस बंदे नु चाहिदा इंतजार करे वो केड़ा वेला है कि रब दा अदाब ओदे घर अंदर आ जाए। लोगो अगर अदाब तो बचना चाहते हो, अगर पैगंबर दे नाल तुहाडी मुहब्बत हो जाए, पैगंबर दे नाल तुहाडा प्यार हो जाए, पैगंबर दी सुन्नत वाले और पैगंबर दे तरीके ते चलन वाले तुसी बन जाओ, रब्बे काबा दी कसम है कल कियामत वाला दिन आएगा तुसी सारे मेरे पैगंबर दे हौस दे होगे। कह दियो इंशाअल्लाह। लो तवज्जो करना, गौर करना कि मेरे पैगंबर दा शान और मेरे पैगंबर दा मकाम अल्लाह ने अपने इस कुरान दे अंदर बयान फरमाया। मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम नाल प्यार करवा लिया, आमीना दे लाल मुहब्बत करवा लिया, दीवानिया परवानिया तवज्जो करना। मौले कैनात ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने वराफाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाते ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया शम्सुद्दोहा बदरुद्दोजा वालिये बताहा हबीबे किबरिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर दा नामे नाम इसमें गिरामी आवे, मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अदब दे नाल एहतराम दे नाल दुरूद पढ़ना सोहणिया, जेड़ा मेरे सोहणे मुस्तफा ते दुरूद पढ़ेगा कायनात रब दुनिया ते राजी हो जाएगा, अल्लाह इस कायनात दियां कामयाबियां दे देणगे। अगर कोई बंदा परेशान है, मेरे सोहणे मुस्तफा ते दुरूद पढ़े कायनात रब इहदियां परेशानियां दूर कर देगा। अगर कोई बे औलाद मेरे सोने पैगंबर ते दरूद पढ़े अल्लाह औलादा अता कर देंगे। अगर कोई बेरोजगार है मेरे सोने मुस्तफा ते दरूद पढ़े अल्लाह रोजगार अता कर देंगे। लोगो जेड़ा मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़ता होएगा कल के आमद वाला दिन आएगा कायनात रब दियां रहमतां दा नज़ूल हो जाएगा, जेड़ा मेरे सोने मुस्तफा ते दरूद पढ़ेगा कल के आमद वाला दिन आएगा कायनात रब दे मत्थे ते पट्टी लिख देंगे बरा तुम मिनन नार। मैं अपने
इस बंदे नो जन्नत दिया गदवाद आद कर छोड़े आवे जेड़ा मेरे सोने मुस्तफा ते दरूद पड़ेगा कल के आमद वाला दिन आएगा मेरे सोने नबी दे नाल नाल जन्नत दे अंदर होएगा जेड़ा मेरे सोने पैगंबर ते दरूद पड़ेगा कल के आमद वाला दिन आएगा मेरे सोने नबी दी औ ते खड़ा हो जाएगा जेड़ा मेरे सोने पैगंबर ते दरूद पड़ेगा लोगो कल के आमद वाला दिन आएगा कैनात रब इस अपने प्यारे बंदे नो मेरे सोने हबीब दा जन्नत अंदर गवान दे देंगे इस वजह तो मौला कैनात ने कुराने मजीद अंदर ऐलान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने इन्नल्लाहा वमलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान बयान करना चाहना वा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालदे मोहतरम जनाब अब्दुल्ला दा खानदान खाना काबा दे अंदर है इधर जनाब अब्दुल्ला दी शादी हुई है जनाब अब्दुल्ला तिजारत करदिया शाम दे इलाके दे अंदर पहुंचे ने शाम तो चलदिया चलदिया यसरब दी जमीन ते पहुंचे ने इधर सय्यदा आमिना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मेनू बेटा दे दे अल्लाह मेनू बेटी दे दे हर बंदा औलाद अपने रब को मंगिया कर दावे इधर जनाब अब्दुल्ला यसरब दी जमीन ते जा रहे ने इधर सय्यदा आमिना दे हां अल्लाह ताला ने करम नवादियां कर दितियां ने अपनी जुबान ते कह रही ने कैनात या रब्बा वो केड़ा वेला होएगा जो मेरा अब्दुल्ला आएगा मैं अपने अब्दुल्ला नु मुबारक देंगी अब्दुल्ला राजी हो जा अब्दुल्ला राजी हो जा अल्लाह ताला ने तेन बाप बना दिता वे अब्दुल्ला राजी हो जा कैनात रब ने खैर कर दीदिया ने अल्लाह ताला ने तेरे घर के अंदर मेहरबानियां फरमा दीदिया ने इधर जनाब अब्दुल्ला यसरब की जमीन ते पहुंचे ने ते इंतकाल कर गए ने चक गंडा सिंह दियो बासियो पता है ना जिस औरत का खावद फौत हो जावे ओ दे वास्ते दुनिया देर बन जाया कर दिए मैं तेज कहा करना जिदा खावद दुनिया दे अंदर मौजूद है ओ औरत ते तख्ता ते राज कर दिए जिदा खावद दुनिया तो चला जावे ए औरत बाजार दे कखा तो हौली हो जाया कर दिए सय्यदा आमिना दा खावद जेड़ा है जनाब अब्दुल्ला यसरब दी जमीन ते इंतकाल कर गए ने ए काफला जेड़ा शाम दे इलाके दी तरफ तिजारत वास्ते गया सी ए चलदियां चलदियां जदों खाना काबा दे अंदर पहुंचे ऐलान करन वाले ने ऐलान कीता वे जेड़ा काफला शाम दे अंदर गया ओदियां वापसियां हो रहियां ने ओ तिजारत दे लोगो गौर करना इत्थे जिन्ने बंदे आए ने ए किसे दा बाप बाहर आया किसे ताजर दा भाई बाहर आया किसे ताजर दा बेटा बाहर आया किसे ताजर दी मां बाहर आई है इधर सय्यद आमिना मेरे महबूब पैगंबर दी वालदा तैयार हो इंज बाहर जा रही ने दिल अंदर इरादा है वे जो तो मेरा अब्दुल्ला आएगा मैं कहांगी अब्दुल्ला राधी हो जा कहना दे रब ने तेनों बाप बना दिता वे अल्लाह ताला दियां बड़ियां करम नवादियां हो गई ने कहना दे रब ने खैरां कर दितियां ने चलदियां चलदियां सय्यदा आमिना इंज बाहर आई ने एक काफला वापस आ गया वे सय्यदा आमिना नगरा दौड़ा दौड़ा के वेख रही ने लेकिन जनाब अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे बड़ी देर तक इंतजार कर दिया रह गई आखिर पूछ दिया ने काफले वाले हो जदों तुसी शाम दे इलाके अंदर गए सो मेरा खामत भी अब्दुल्ला तुहाडे नाल गया सी मेरा अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहा काफले अंदर एक बंदा बोलिया ते कहन लगिया बीबी तेरा खामत अब्दुल्ला यसरब दी जमीन ते इंतकाल कर गया है ओए चक गंडा सिंह दे वासियो सय्यदा आमिना दी अखां बरस गई ने जारो किता रोही जा रही ने कहना दिया रब्बा मेरी ते खैर है मेरी जिंदगी ते गुजर जाएगी मेरे दिन रातां ते गुजर जाणगियां पर ऐ जिहड़ा बच्चा मेरे पेट दे अंदर है इहदियां कफालतां कौन करेगा इहदियां फरमाइशां पूरियां कौन करेगा इहदे मत्थे बोसा कौन करेगा इहदे सीने नूं अपने सीने दे नाल कौन लगाएगा ए नौजवानो इरदा गिर तों आने वाले मुअज्ज़म मेहमानो इह ते गल समझदे हो ना जदों खावद फौत हो जावे जिहड़े
जेड़ा बच्चा दुनिया दे अंदर आन वाला है, ये बच्चा यतीम हो गया, इस बच्चे दियां कफालतां कौन करेगा। मैं तेरे सामने एक बात रखना चाहना वा, अगर तेरे महल्ले दे अंदर कोई बच्चा यतीम है, उस बच्चे दे नाल प्यार करया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो जेड़ा यतीम दे नाल प्यार करेगा, कल कियामत वाला दिन आएगा, रब ओदे नाल प्यार करेगा। सैयद आमिना बैठ के सारों की तार हो जा रही ने, इंज सरदार अब्दुल मुत्तलिब आया, आके कहंदा बेटा खड़ा हो जा, मैं सारिया तेरिया जिम्मेदारियां उठा लवांगा। आमिना तेन रोन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरिया सारिया फरमायशा पूरिया कर देंगा। सैयद आमिना रो करके आंदियां ने, ऐ अब्दुल मुत्तलिब अगर मैं रोवा ना तो और की करा, ऐ जड़ा बच्चा पैदा होने वाला वे, इस बच्चे का वाली वारस कौन होएगा। सैयद आमिना चलदिया चलदिया अपने घर के अंदर आईया ने, सारी रात जारों की तार रोई जा रही ने, इंज थोड़ी देर आराम कर लगिया ने, एक आवाज आई आमिना रोया ना कर, आमिना परेशान ना होया कर, ये जड़ा बच्चा पैदा होने वाला वे, इस बच्चे दियां मैं आप जिम्मेदारियां करांगा, इस बच्चे दियां मैं आप जिम्मेदारियां उठावांगा। कैला दे रब दी तरफ आवाज आ रही आमिना, ना घबरा, जड़ा बच्चा पैदा होएगा एदा चर्चा मशरक दे अंदर होएगा, एदा चर्चा मगरब दे अंदर होएगा, एदा चर्चा जनूब दे अंदर होएगा, एदा चर्चा शुमाल दे अंदर होएगा। जिथे भी कैला दे रब दे मोमन बंदे होणगे, अपने मुस्तफा दा जिक्र खैर करदे होणगे। ओए चक गंडा सिंह दे वासियो, जितना सुकून नबी पाक दा फरमान सुनिया आंदा है, इन्ना सुकून कदी भी नहीं आया करदा। जदों नबी पाक दा तज़करा सुनने आ, जदों नबी पाक दा शान सुनने आ, उदों दिल दे अंदर एक आवाज आंदी है, ओए चक गंडा सिंह दे वासिया, उस नबी दा जिक्र खैर हो रहा वे, जिदे मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे ने, वरफना लका ज़िक्रा। सैयदा आमिना जदों जनाब अब्दुल्ला यसरफ की जमीन ते इंतकाल कर गया, ये वाकई अलामा सफी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया। सैयदा आमिना दिन रात रोईया, एक आवाज आई कि आमिना तेन रोन की जरूरत नहीं है, ये जड़ा बच्चा आन वाला है तो सारी कायनात का इमाम बन जाएगा। हजरात याद रखना कि जिस पैगंबर दी असी उम्मती बन के आए हाँ, असी अपने रब का शुक्रिया अदा करिया करिए। ऐसा अजीम नबी, ऐसा आला अरफा पैगंबर जिदी कायनात अंदर मिसाल कोई। तवज्जो करो मेरे महबूब पैगंबर अली सलातो सलाम नाल प्यार करने वाले आ, आमिना दे नाल मुहब्बत करने वाले आ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नो अल्लाह ताला ने इस कायनात दे अंदर सारे नबियां चो आला मकाम अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इदा दू इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अय यकूलू समिअना व अताना। फरमाया लोगो जो नबी पाक की गल आ जाए, जो नबी पाक का आर्डर आ जाए, जो नबी पाक का हुक्म आ जाए, समझना वाताना ये गल करिया कर, बस मैं सुन लिया वे, मैं इताअत करांगा, मैं नबी पाक की आखे लग जावांगा। तवज्जो मेरे वर रखना, हजरत इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन अल्लाह ताला दे घर दे अंदर बैठे ने, एंड मेरे मुस्तफा ने हजरत आसान नु बुलाया रदी अल्लाह तआला अनो, ए नबी पाक दा सहाबी है, मेरे पैगंबर दे बुवे दा चौकीदार है, पैगंबर दी हदीस दा चौकीदार है। हजरत आसान नु मेरे मुस्तफा ने बुलाया, आका फरमाते ने आसान मेरी शान दे अंदर, मेरे मकाम दे अंदर, मेरी असमत दे अंदर कोई अशआर दे पढ़ना। हजरत आसान नबी पाक दे सामने नबी पाक दी शान दे मुतल्लिक अशआर पढ़दे पढ़दे इस मकाम ते पहुंचे ने, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। हजरत आसान कहंदे ने, सोनिया मैं ते इंज समझना वा जिवें जिवें तुसी अपने रब नू कहंदे गए मौला बनांदा गया। ए चक गंडा सिंह दे आबासिया इत्थे फिर मैनू कह लैंदे ना, अल्लाह ताला ने जमीन बनाई अपनी मर्जी दे नाल, आसमान बनाए अपनी मर्जी दे नाल, दरिंदे बनाए अपनी मर्जी दे नाल, परिंदियां नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, हजरत आदम नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल,
हजरत नूह नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, हजरत ईसा नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, हजरत मूसा नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, हजरत इब्राहिम नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, हजरत जिब्राइल नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, हजरत इज़राइल नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, इसराफील नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, मिकाइल नू पैदा फरमाया अपनी मर्जी दे नाल, आसमाना दे अंदर निजाम चलाया अपनी मर्जी दे नाल, जन्नत दे अंदर नहरां चलाईया अपनी मर्जी दे नाल, दुध दीआं नहरां चलाईया अपनी मर्जी दे नाल, शराबे तौरा दीआं नहरां चलाईया अपनी मर्जी दे नाल, सारी कायनात बनाई अपनी मर्जी दे नाल, जदों मेरे महबूब पैगंबर दीआं वारियां आईआं कान्ना का कद खुलिकता कमात शाह, अल्लाह ताला फरमा रहे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जिवें जिवें तुसी कहिंदे जाओगे मैं मौला बनांदा जावांगा। सुभान अल्लाह, कैसा पैगंबर है। हाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतालिक एक हदीस आंदी है अल्लाह के जदो अल्लाह ताला ने मेरे महबूब पैगंबर नु पैदा फरमाया ते अल्लाह ताला ने जमीन आसमान दे अंदर एक आवाज दी कि ऐ जेड़ा मेरा पैगंबर इस कायनात दे अंदर है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ा इदी ताबेदारी करेगा वो अल्लाह दी जन्नत दा हकदार बन जाएगा, जेड़ा इदियां नाफरमानियां करेगा इदियां गुस्ताखियां करेगा इहदे नाल मुहब्बत नहीं करेगा इहदे नाल प्यार नहीं करेगा हजरात बंदा कदी भी जन्नत विच जा सकदा नहीं। तवज्जो करो ए शान किने बयान कीता हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने एक शान नबी पाक दी सौजा मोहतरमा अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका सब कह दो रजी अल्लाह तआला ने बयान कर रही है मेरे महबूब पैगंबर अली सलात वसलाम नाल प्यार करन वाले आ आमीना दे लाल नाल मुहब्बत करन वाले आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबा एंदे चलदे आ नबी पाक दी सौजा मोहतरमा सैयदा आयशा दे कोल आए ने आके अर्ज करदे ने आयशा नबी पाक दे अखलाक दे मुतल्लिक नबी पाक दी असमत दे मुतल्लिक नबी पाक दी शान दे मुतल्लिक ते दसो ना हजरत आयशा फरमादियां ने काना खुलकुल कुरान पूरा कुरान अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर दी असमत दे अंदर मेरे पैगंबर दी शान दे अंदर मेरे पैगंबर दे मकाम दे अंदर अल्लाह ताला ने पूरा कलाम ही बयान कीता वे ऐ मेरे नबी पाक दे सहाबा अगर तुसे कुरान दा मुतालिया कर लेंदे ऐसा दे कलाम दी कोई जरूरत नहीं सी अगर तुसे कुरान दे ओराक खोल के नबी पाक दा शान पढ़ लेंदे ऐसा दे दरवाजे ते आन दी जरूरत नहीं है। आओ लोगो फिर अल्लाह ताला दे कुरान कोल पुछ लेने आ ऐ कुरान नबी पाक दी शान बयान करना आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान दे मुतल्लिक नबी पाक दे मकाम दे मुतल्लिक अल्लाह ताला दे कुरान कोल पूछ लईए ऐ कुरान दस मेरे पैगंबर दा नाम की है आवाज आई मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी पाक दा नाम आए ते प्यार नाल चेहरे ते मुस्कुराहट लिया के क्या करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई मेरा भाई कोई बुजुर्ग कोई नौजवान ये गल ना करे कि बगैर दलील दे ये नौजवान गल कर रहा है जेड़ा मुस्कुराहट लियाएगा मेरे पैगंबर ने फरमाया इहदा मुस्कुराना इहदे वास्ते सदका बन जाएगा। सुभान अल्लाह प्यार नाल कह दियो सल्लल्लाहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी अज़मत दे मुतल्लिक ऐ कुरान दस मेरे पैगंबर दा नाम की है आवाज आई मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐ कुरान दस मेरे पैगंबर दे हत्थां दा तज़किरा की है आवाज आई वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा ऐ कुरान नबी पाक दे सीने दा तज़किरा फरमा आवाज आई अलम नशरा लका सदरक ऐ कुरान मेरे पैगंबर दी बस्ती दा तज़किरा फरमा आवाज आई ला उक़सिमु बिहादल बलद ऐ कुरान मेरे पैगंबर दे जमाने दा तज़किरा फरमा आवाज आई वलासर ऐ कुरान मेरे पैगंबर दिया रहीमियां दा तज़किरा फरमा आवाज आई वमार सल्ला कैला रहमतल लिल आलमीन ऐ कुरान मेरे पैगंबर दे मिराज दा तज़किरा फरमा आवाज आई सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना ऐ कुरान मेरे पैगंबर दिया सरदारियां दा तज़किरा फरमा आवाज आई यासीन वल कुरान अल हकीम
हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। ए कुरान मेरे पैगंबर दी परेशानियां दा तस्करा फरमा। आवाज आई ताहा मानदल्ला अलैकल कुरान लितस्का। ए कुरान मेरे पैगंबर दी बेटियां दा तस्करा फरमा। आवाज आई या अय्युहन नबियो कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए कुरान मेरे पैगंबर दी बीवियां दा तस्करा फरमा। आवाज आई या निसान नबी लस्तुन्नका अहद मिनन निसा। ए कुरान मेरे पैगंबर दी अखलाक दा तस्करा फरमा। आवाज आई वा इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ए कुरान मेरे पैगंबर दे सहाबा दा तस्करा फरमा। आवाज आई उलाइका हुमुल मुमिनून उलाइका हुमुल फाइदून उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु कुलूबहुम लितक्वा। ए कुरान मेरे पैगंबर दे नाम दा तस्करा फरमा। आवाज आई इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा। ये गल ना करया करके अहले हदीस नबी दा शान बयान नहीं करता। मैं कहना किसी भी मकतवे फिक्र दा बंदा होए किसी भी फिरके दा होए जिहड़ा मेरे पैगंबर दी शान नूं नहीं मनदा मैं कुरान हथ च पकड़ के कहना पैगंबर दे मिंबर ते बैठ के कहना मस्जिद दे अंदर दाखिल हो के आना। लोगो जिहड़ा मेरे पैगंबर दा एहतराम नहीं करदा जिहड़ा पैगंबर दा शान बयान नहीं करदा जिहड़ा पैगंबर दा मकाम बयान नहीं करदा जिहड़ा पैगंबर दी असमत बयान नहीं करता जेड़ा पैगंबर दी खलवत दा तस्करा नहीं करता जेड़ा पैगंबर दी चाल दा तस्करा नहीं करता जेड़ा पैगंबर दे चेहरे दा तस्करा नहीं करता जेड़ा पैगंबर दे मक्के दा तस्करा नहीं करता जेड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदीने दा तस्करा नहीं करता। लोगो बंदा मुसलमान हो सकदा नहीं हो सकदा। इंज बोहतान बाजियां ना लगाया कर। अहले हदीस नबी दा शान नहीं बयान करदे। आओ साडे कोलो नबी पाक दा शान सुनो। अल्लाह मैनू भी अमल तौफीक अता फरमाए अल्लाह तुहानू भी अमल दी तौफीक अता फरमाए। उची कह दियो आमीन। मेरे महबूब पैगंबर अली सलातुस्सलाम नाल प्यार करन वाले आ आमीना दे नाल मुहब्बत करन वाले आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अल्लाह ताला ने इस कायनात दे अंदर सारी कायनात वाला बनाया है। अल्लाह ताला ने सारे नबियां चो अल्लाह बनाया। अल्लाह ने नबियां दा इमाम बनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मेराज दी रात जा रहे ने हजरत जिब्राइल अर्ज करते ने सोणिया इत्थे ठहर जाइए। हजरत इमामे कायनात ने फरमाया जिब्रील इत्थे की में हजरत जिब्राइल अर्ज कर देनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाइए। इंज चलदियां चलदियां मेरे महबूब पैगंबर आए ने वज़ुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां ज़ुल्फ़ां वाले वमार रमैत इज़ रमैत दे हत्थां वाले अलम नशरा दे सीने वाले। मेरे मुस्तफा ने देखिया कोई बंदा ते अल्लाह ताला दे सामने नमाज पढ़ी जा रहा है कोई रुकू दी हालत अंदर खड़े आवे कोई क़याम दी हालत अंदर खड़े आवे कोई सजदे दी हालत अंदर पे आवे। हजरत इमामे कायनात ने फरमाया जिब्रील बंदे कौन ने जेडे अल्लाह ताला दे सामने क़याम कर रहे ने ये लोग कौन ने जेडे अल्लाह ताला नूं रुकू सजदा कर रहे ने। आवाज आई जिब्राइल बयान कर रहे ने सोणिया इत्थे नबी ने ये नबियां दा मजमा है सोणिया इत्थे हजरत आदम मौजूद हुंदे ने हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम मौजूद ने हजरत इब्राहिम भी मौजूद ने हजरत याहिया भी मौजूद ने हजरत ज़करिया भी मौजूद ने 1,24,000 नबियां दा मजमा है। इंज नबियां ने सफा बना लिया ने तवज्जो मेरे वल रखना। नबी पाक दा शान दसना चाहना वा मेरे पैगंबर दा मकाम कितना है मेरे पैगंबर दी असमत कितनी है। 1,24,000 नबी मौजूद ने। इंज मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने माशाल्लाह माशाल्लाह नारे तकबीर और ये कुरान पाक की जादू रहमान मोहम्मदी साहब अहलन व सहलन मरहबा। माशाल्लाह शेख मोहतरम हजरत मौलाना मौलाना इजाजुर रहमान मुहम्मदी साहब तशरीफ लाए ने बस आखिरी बातों फिर इंशाल्लाह मुदल्लल और मुफस्सल उन्होंने खिताब जानदार होएगा। अल्लाह उन्होंने खिताब सुन के मैनू तो सारे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मौलाना की जिंदगी अंदर जवानी अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। साड़ी वारी आमीन नहीं आते पता नहीं की गल अही टुर जाइए उची कह दौ आमीन।
मेरे महबूब पैगंबर अली सलात वसलाम नाल प्यार करवा लिया, आमीना दे नाल मुहब्बत करवा लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने देखा लोग अल्लाह ताला दे सामने क़याम कर रहे ने, अल्लाह ताला दे सामने रुकू कर रहे ने, अल्लाह ताला दे सामने सजदा कर रहे ने। इंज नबिया दया सफा बन गई ने, नबी सारे कितारा के अंदर खड़े हो गए ने। हजरत जिब्राइल अली सलात वसलाम देख रहे ने, ये सारे पैगंबर एक दूसरे वाल नजरां मार मार के देख रहे ने। कोई कह रहे हजरत आदम अली इमामत कराएंगे, कोई कहता अज हजरत नूह अली सलात वसलाम इस मुसल्ले से खड़े हो जाएंगे, कोई कह रहे हजरत इब्राहिम खड़े हो जाएंगे। पर गल मुकदी मुका जावा, हजरत इमाम कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े ने, अज हजरत इब्राहिम ने बादू तो पकड़े आवे सोने आ मुसल्ले ते आ जावो, अज नबिया की इमामत करा देवो। अल्लाह ताला ने उस वादे नु फर्म पूरा कर दिता वे। वइज अखद अल्लाह मीसाकन नबियीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना काला अकररतुम व अखदतुम अला ज़ालिकुम मिसरी कालू अकररना काला फशहदु व अना मअकुम मिन अश्शाहिदीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे कोल एक दिन से आप आए ने, अर्ज कर देनी या रसूल अल्लाह इस आबी दा नाम हजरत सुबान है रजी अल्लाह तआला नो। हजरत सुबान कहंदे ने सुनया अल्लाह ताला ने तुहाडा बड़ा मकाम बनाया है, अल्लाह ताला ने तुहानू बड़ी सारी कायनात वाला बनाया है, सुनया अपना शान ते दसो ना। मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान दे अंदर फरमाया ऐ मेरे सुबान एक दिन मैं हतीम दे अंदर लेटिया वा, मेरे कोल दो फरिश्ते आए ने, एक फरिश्ता मेरे करीब खड़ा हो गया वे, एक फरिश्ता थोड़ा जा मेरे तो दूर है, ये आपस के अंदर गल्ला कर रहे ने। ये कहन लगया कि ये वही है, हाँ हाँ ये दा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इहदा वजन कर दिता जावे। नबी पाक ने फरमाया मेरे सौबान मैनू तरकड़ी दे एक पासे रखिया जाए, मेरे मुकाबले अंदर एक भारी तार बंदा रखिया गया, इहनू जदों तोलिया गया मेरा वजन भारी होया, फिर मेरे मुकाबले अंदर दस बंद बिठाया गया जो तोलिया गया मेरा वजन भारी होया, फिर मेरे मुकाबले अंदर सौ बंदे बिठाया गया जो तोलिया गया मेरा वजन भारी होया, फिर एक लख बंदे बिठा दिता गया जो तोलिया गया मेरा वजन भारी हो गया। एक फरिश्ता दूसरे नु कहन लग्या केड़िया जरबा तकसीमा च लग गए हो, अगर इस नबी नु एक पासे बिठा दिता जाए पूरी कायनात नु दूसरे पासे रख दिता जाए जमीन आसमान नु रख दिता जाए पैगंबर फिर भी भारी है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ते मेरे मोहतरम साथियों नबी पाक दा शान सारी कायनात वाला है, बोलो जरा नबी पाक दा मकाम सारी कायनात वाला है। जेड़ा पैगंबर दी शान, पैगंबर दी असमत, पैगंबर दा तरीका, पैगंबर दी सुन्नत, पैगंबर दी हदीस, पैगंबर दी बात ते अमल नहीं करदा मत समझे कि मेरे अमान अल्लाह दे हां कबूल हो जाएंगे। जिस इबादत मेरे पैगंबर दी मोहर नहीं, जिस इबादत ते तरीका ए मुहम्मदी मौजूद नहीं, अल्लाह दी कसमी और रब दी बारगाह अंदर कबूल ही नहीं। आखिरी फरमाइश है मौलाना मोहम्मद शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह, उन्होंने दो अशआर सुना के इजाजत चाहना, तवज्जो करो। मौलाना मोहम्मद शरीफ अल्लाह पाक उन्होंने कब्र नूर नाल मुनव्वर फरमाए, उची कह दो आमीन। उथे कदे भी रब नहीं रहम करदा, जिथे नीतां खोट होवे उतो बरकत रब उठा लैंदा, जिथे नित दा भरावां विच अन्न जोट होवे चुगा कदियों खैर नाल वसिया नहीं, जिथे वसदा नित दा सोट होवे उस वाद विच नफा कोई नहीं हुंदा, जिथे गल गल अंदर चो होवे उस वाद विच फायदा नहीं हुंदा, जिथे हर एक गल ते चोट लगाओ किसे नु गल लगा के करो ये खतीब दा काम नहीं है, गल ओ करो जड़ी आसमान दे रब नु पसंद आ जाए। इत्थे आयो ये कोशिश कर जाओ अल्लाह अमल करांगे, मौला साडी आखरी जदों जिंद साह आए ते साडी जुबान ते कलमा जारी फरमा दे। होइया मुद्दतां वत कोई आया नहीं,
फेरा फिर वतना वल पाया नहीं, कुछ सुनया ते हाल सुनाया नहीं। पढ़ ला इलाहा, पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई दो दिन जगते जी गए ने, फिर मात प्याला पी गए ने, ओए सब यार मुसाफर थी गए ने। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए दस इब्राहिम खलील किथे, मूसा बिन इमरान कलीम किथे, साढ़े हाथी नबी करीम किथे। पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला दे हुजूर दुआ है, जो सुनिया सुनाया है अल्लाह इदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक दे नाम दे, आप दी जात दे, आप दी शान दा इहतराम करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।